सो गाइस, ये देखिए बाबू का तबीयत खराब हो गया है, बुखार हो गया इसको, और पता नहीं कैसे मतलब अचानक से उसको बुखार हो गया। सुबह तक ठीक थी, और पता है क्या, इसके एक हाथ में ना मतलब यहाँ इस हैंड में ना छूने नहीं दे रही है, पता नहीं क्या काट दिया, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपना हाथ ही नहीं उठाने दे रही है इसको। ये देखो पूरा बुखार हो गया, और पता है जब बच्चा का तबीयत खराब होता है कुछ करने का मन नहीं करता, और बस मैं नहा के बैठी हुई हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ अभी तक, मतलब काम वाम तो मैं सुबह में कर ही ली थी, बट कुछ भी नहीं, मतलब ये उठ ही नहीं रही है गोदी में से, और मिस्त्री आए मैं सारा मतलब वाइट करने के लिए, क्योंकि वाइट तो बस अभी इसमें वही ठीक करवा रहे हैं, और मैं यहाँ पर बाबू को लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये कुछ करने नहीं दे रही है, और जब बच्चा का तबीयत खराब है ना तो रहता है ना, तब आप लोग भी जानते हो कुछ करने नहीं देता है, इसका मन ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा, क्या क्या बेटा, पता नहीं क्या काट दिया, अपना हाथ ही नहीं उठाने दे रही है। देखिए ये देखो, ये बीच वाला फिंगर जो होता है ना, जिसको अभी लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, अचानक से फीवर हो गया इसलिए। को डॉक्टर के पास से आ गए दिखा के गाइस, एंड डॉक्टर ने बोला कि मतलब कुछ काट दिया है इसको, मतलब हो सकता है बरसाती कीड़ा वगैरह होगा ना, वही काट दिया होगा, तो जिसके वजह से इसको बुखार इतना आ गया है, क्योंकि सुबह तक मैं बोल रही थी कि ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे हो गई। और ये देखिए दवाई खाने में तो आप जानते हो कि सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, दवाई नहीं खाने की कोशिश करते हैं, तो बस मैं इसको दवा खिला के उसके बाद उसको सुलाऊंगी, और डॉक्टर ने बोला है कि ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। तो देखती हूँ अभी इसको दवाई खिलाने के बाद कब तक बुखार उसका उतरता है। तो गाइस मैं अब बाबू को यहाँ पे सुला रही हूँ, उसको दवाई खा के दवाई खिला दिया है। तो पता है क्या, डॉक्टर वहाँ डॉक्टर ने बोला ना इसके हाथ में पता नहीं क्या काट लिया है छोटा, पता है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग ना हमें खाना बना रही थी किचन में, और ये बाबू जैसे एज यूजुअल इसको मैं मोबाइल दे थोड़ा सा अपना मतलब वीडियो वगैरह देखने के लिए, तो ऐसे वीडियो बैठ के देख रही थी ज़मीन पर, और अचानक से रोने लगी, तो मैं खुद समझ में नहीं आया कि क्यों रोने लगी, फिर रोते रोते थी, हाँ तभी से रो रही थी, और हम लोगों को लग रहा था कि मतलब ऐसे ही रो रही, ऐसे किचकी जाती है तो रोती है, तो फिर मैं थोड़ा देर के बाद इसको देखी, उसी टाइम देखी बट फिर शांत हो गई, फिर मतलब उतना ध्यान नहीं दी ना वीवो वाला, नहीं 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 तो क्या कहते हैं, हाँ वही, फिर धीरे धीरे जब इसका बुखार होने लगा ना, तब हम लोग मतलब ज़्यादा ध्यान देने लगे कि बुखार क्यों होने लगा, क्योंकि सुबह तक ये ठीक थी इसलिए। तो अभी बाबू को मैंने दवाई दे दिया है, सो रही है, तो चलिए इसको पहले मैं सुला दूँ, उसका मिलती हूँ। खजर मेरा नाम कहाँ है बता, तुम सॉरी तुम्हारा नाम कहाँ है बता, बताओ जल्दी बताओ, इसमें तुम्हारा नाम कहाँ है, मेरा नाम तो सब जगह रहता है, तो बताओ इसमें कहाँ है मेहंदी में, अच्छा इसमें पूछ रही है, तुम बताओगे तो मतलब तुम हमसे प्यार करते हो, वरना ऐसा कुछ नहीं, नहीं, नहीं ऐसा ही है, ठीक है देंगे तो नहीं अब पूरा नाम लिखे हैं बता दो, देख ही देंगे, अब पूरा हाथ में तुम देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है लिखेगा, सहूलियत कहाँ होगा, सरसरी भरी निगाह से इतना फ्रेश लिखे है ना कि किसी को भी दिखाई दे देगा, बट अब जरूरी नहीं है कि तुम इधर ही ढूंढ रहे हो, अब इतना हिंट्स दे दिए हम, ये पूरा हाथ में ही देख लो, आह नहीं तुम्हें से प्यार करती हूँ तो हमको मिल जाएगा नहीं ये कोई मतलब नहीं होगा, हम तुमसे प्यार करेंगे तो मिलेगा, अब हम बताते हैं तुम हमसे प्यार यानी कि नहीं करते हो,
तुमको दिखा रहे हैं तो पूरा हाथ में, जब इतना हिंट्स दे दे पूरा हाथ में देख लो तो पूरा हाथ ऐसे, में देख लो। ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। नहीं देखो अब यहाँ से लेकर आगे पीछे सब जगह देख। मैं थोड़ी देख ली हाथ हमारे पीछे क्योंकि मतलब तुम कह कि हथेली पे लिखा हुआ थोड़ी है तो क्या इस मेहंदी ऐसा लगता है इसमें हाथ पे मेहंदी लगाता है। तुम्हारा नाम हम ऐसा लिखेंगे ताकि तुमको अपने मुट्ठी में बंद कर ले। जब बोल रहे हैं इसको कि पूरा हाथ में मेरा देख लो तो बस पीछे ही देख रहा है, इतना फ्रेश समझ लिखे हैं तो वो नहीं। A few moments later. पता है कल ना जब कपड़ा इतना सारा मैं धोई थी तो मैं आप लोगों को बताई थी ना कल बारिश हो गया था तो मैं कुछ आधा से ज़्यादा कपड़ा मेरा भींग ही गया था तो फिर से वैसे ही मेरा कपड़ा बहुत हो जाता है रोज़ होता था। वैसे ही बच्चा है तो हो गई और बाबू कभी बाथरूम कर देती है बेड पे तो कभी आज तो पता है क्या मतलब क्या हुआ बेटा क्या हुआ इधर आ जाओ सबको बोल दो टाटा बलदम ठीक हो गए बलदम ठीक हो गए बोल दो हम ठीक तो बाबू थोड़ा सा ठीक हो गई है मतलब बेटर फील बेटर लग रही है पहले से। तो ऐसा होता है ना कि जब बच्चा ठीक हो जाता है तो लगता है कि सारा काम हो गया है वरना जान मतलब ऐसा लगता है कि उसका तबीयत खराब था तो लग रहा था ना कि मतलब इतना सारा काम है बट फिर भी लग रहा है सबसे बड़ा काम ये है कि इसका तबीयत ठीक हो जाए। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा तबीयत उसका ठीक है और मैंने उसका कपड़ा भी चेंज कर दिया है क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा होता है ना कि हम लोग को जब फीवर होता है तो लगता है कि हम लोग कपड़ा चेंज कर ले कपड़ा चेंज करने के बाद माइंड फ्री लगता है तो वैसे ही मैंने बाबू का भी कपड़ा चेंज कर लिया क्योंकि वो वाला जो कपड़ा था उसी में फीवर आया था फिर वो कपड़ा ही मतलब स्मेल दिया फीवर टाइप का फिर मैंने इसको कपड़ा दूसरा पहना दिया। तब जा रही हूँ फोल्ड करना पता है सबसे बड़ा काम मुझे क्या लगता है कपड़ा धोने से सबसे ज़्यादा बड़ा मुझे काम लगता है मुझे ना कपड़ा फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम लगता है गाइस। और मतलब बर्तन धोना भी मुझे मेहनत का काम नहीं लगता है ना कपड़ा खींचना लगता है बट कपड़ा ना क्या कहते हैं इसको फोल्ड करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम लगता है और बहुत सारा कपड़ा है बहुत सारा। और आज भी बारिश हुई है बट कल जितना बारिश नहीं हुई है बट कल परसों रात से ही बारिश हो रही थी। और बारिश जब होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है कपड़ा धोने का और छोटे छोटे तो कपड़ा चलो सूख भी जाएगा बट बड़ा बड़ा जो चादर वगैरह हो गया है एंड जो मतलब सब ये जैसे इसको क्या बोलते हैं इसको ये सब बाबू को इसी पे सुलाते हैं ये सब बड़ा बड़ा सब जींस वगैरह नहीं सूख पाता है गाइस एंड ये देख लो कपड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं अभी बोल दे रहा पता ही तुम कहाँ कहाँ से कपड़ा भी निकाल लेती हो मतलब कहाँ कहाँ से तुम ना रोज पर डे मेरा कपड़ा निकल जाता है गाइस पता नहीं मैं कहाँ कहाँ से निकाल लेती हूँ मुझे खुद भी सोचती हूँ मैं कितना रोज गंदा हो जाता है ओ माय गॉड इतना सारा कपड़ा मैं कहाँ से निकालती हूँ। सो जा रही हूँ फोल्ड तो करना है मुझे ही करना है। आप लोगों ने मेरा इंस्टा को फॉलो किया कि नहीं आप लोग जाओ जल्दी जल्दी फॉलो कर लो मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर दूंगी वहाँ पे मैं हमेशा रील्स डालते रहती हूँ तो आप लोग मेरी रील्स अगर देखना है आप लोगों को तो मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए। और एक और चीज़ गाइस मैं ये बार बार बोलती हूँ बट फिर भी मैं आज फिर भी बोलूँगी कि प्लीज़ जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं या मतलब देखना स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ आप लोगों का
कमेंट से ही, और आप लोग की ही सपोर्ट से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ना. तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना ना भूलें, एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी. सो आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को हिट. एंड गाइस, कल मैंने मेहंदी लगाया था ना, एंड ये देखो मेरा मेहंदी लाल हो गया. अब पता है मैं सो गई थी लगा के, इसलिए यहाँ का जो है ना थोड़ा सा मतलब मिल भी गया. वैसे भी पता है मेहंदी बहुत गीला था, जैसे कि आप लोग ने देख ही थे. ये देखो हबी, बट नाम आज ढूंढ नहीं पाए क्योंकि उनका हबी का नाम यहाँ पे लिखी थी. क्योंकि पता है क्या, पीछे में क्या लिखूंगी लिखूंगी तो अपने हाथों में तक ही मेरा ये जो मुट्ठी है वो बंद हो जाए. हम भी मेरे सामने बैठे हैं और वो हंस रहे हैं. तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, कपड़ा फोल्ड करूँ. बना पता चला आप लोगों से बातें करते करते इतना टाइम हो गया कि कपड़ा फोल्ड करने का ही टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी पता है कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 17:05 हो रहा है, 5:05 हो रहा है गाइज. तो शाम हो चुका है. बेटा जय कर दो, जय 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 कर दो बेटा, सुना लो जल्द ऐसे कर, जय ऐसे जय, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से बेटा जय, डैडो इधर आ, बिट्टू बिट्टू बिट्टू, पहले बोलो जय. इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको खेलने देते हैं. चलो तो गाइज यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ. उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, ये ईयरबड मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था. एक ईयरबड जो मेरा था ना, जो मेरे को हबीब ने गिफ्ट किया था, वो चूहा काट दिया है, इसी वजह से मुझे दूसरा मंगवाना पड़ा. और ये बिना ईयरबड का ना मेरा किसी से भी बात भी नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे मोबाइल 24 घंटा लेके बात करने में अच्छा नहीं लगता है. अगर किसी का भी फ़ोन आया तो मोबाइल गर्म भी हो जाता है, मोबाइल मुझे पकड़ने बहुत अननेसेसरी लगता है, बहुत लगता है कि मतलब अजीब टाइप का लगता है, कब रख दूँ कब रख दूँ, मैं किसी से बात भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ. और ईयरबड क्या होता है कि कहीं भी मोबाइल रख दूँ ईयरबड से आप बात करते रहो, इसलिए मैं ईयरबड मुझे ये मंगवाना पड़ा. अगर आप लोगों को भी लेना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप ले लेना, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, आवाज़ बहुत क्लियर.